जब भी कभी मार्केट में हम सरसों का साग देखते हैं तो हमें गांव का वो याद बहुत आता है। गांव में हमारे ठंड के मौसम में सरसों का साग और मक्की की रोटी खाने का एक अलग ही मज़ा था। तो आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे सरसों का साग और मक्की की रोटी, वो भी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बताएंगे। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर कीजिए। स्वागत करते हैं आपका अपना स्वाद यूट्यूब चैनल अपना स्वाद में, और मैं हूं दीपक। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं सरसों की साग और मक्की की रोटी बनाना। हमने यहाँ पे लगभग 500 ग्राम पालक का साग लिया है। ये देखिए, अच्छे से इसे धो दिया है हमने 2 दिन पानी से, क्योंकि नहीं धोने से इसमें मिट्टी लगा होता है, वो बाद में किरकिरा टाइप का लगेगा। और ये देखिए, हमारा 500 के लगभग ये भी सरसों का साग है, ये बिल्कुल मूली के पत्ते के जैसा दिखेगा ये सरसों का साग। इसे भी मैंने अच्छे से धो दिया है और इसे हम छोटे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं। छोटे टुकड़ों में काटने का उतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं, दोनों को साग को डाल देते हैं, चाहे मिक्स करके डाल दीजिए तो ऐसे डाल दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, 1 गिलास पानी ले लेते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं, और क्या करते हैं थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल देते हैं इसमें, और इसमें 10-12 कलियाँ लहसुन की डाल देते हैं, 1 इंच अदरक डाल देते हैं, 1 हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च आप अपनी अनुसार दिखा अनुसार देख लीजिए। थोड़ा टमाटर 1 डाल देते हैं, थोड़ा प्याज काट के डाल देते हैं, थोड़ा सा लास्ट में एक मूली डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये सब डाल के हम यहाँ पे 2 सीटी लगाएंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम में। ये देखिए, हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं 2 सीटी आने तक वेट कीजिए। ये देखिए, हमारा 2 सीटी लग चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के बाद इसे खोल दिए हैं। ये देखिए देखिए, इसमें हमने जितना पानी डाला, आप चाहे से इसे दल घोटनी से भी घोट घोट के बना सकते हैं, लेकिन ये पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं तो इसे मिक्सर में हम इसे अच्छे से पतला करके पीस लेते हैं। इसे ठंडा होने के बाद पीसना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा सा अच्छा से गर्म कर दिया, थोड़ा जीरा डाला है और कटा हुआ लहसुन मैंने डाला है इसमें, और थोड़ा सा कटा हुआ ये अदरक है, और 1 कटा हुआ हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप अनुसार देख लीजिए, थोड़ा सा 1 मीडियम साइज कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज डालें, अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, लगभग हो चुका है। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मसाला डालेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। 1 हम इसमें टमाटर कटा हुआ डाल देते हैं, अब इसमें एकदम बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। दोस्तों, अब कहिएगा ये सब चीज़ें तो मैंने पहले भी डाला है, लेकिन उसका एक अलग मज़ा है, इसका एक अलग टेस्ट आएगा। थोड़ा सा नमक डाल दिए, नमक पहले भी डाले थे, थोड़ा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा दोस्तों चिकन मसाला डालें इसमें, थोड़ा सा गर्म मसाला डालें हल्का सा, और आप चाहे तो हल्दी पाउडर डालिए या नहीं डालिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से भूनना है दोस्तों, अच्छे से इसका फ्लेवर आना चाहिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसे अच्छे से भूनिए। ये देखिए, हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, हल्दी पाउडर का इसमें कोई यूज नहीं है ज़्यादा। अच्छे से इसे भून लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब जो ये देखिए हमारा पूरा पतला पिसा हुआ है, ये देखिए, आप चाहे तो दल घोटनी से घोट घोट के जैसे गांव में बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यह पंजाबी स्टाइल में बना रहा हूँ तो इसे अच्छे से पीस दिया हूँ। ये देखिए, अब इसे 20 मिनट तक, लगभग 15-20 मिनट तक इसे अच्छे से एकदम लो फ्लेम में इसे पकाइए, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और थोड़ा सा हम इसमें धनिया पत्ता काट के डाल देंगे, और ज़्यादा कुछ मसाला वगैरह नहीं डालना है इसमें। हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिए, और कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो डेकोरेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर और घी डाल के थोड़ा सा इसमें अदरक डाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सब करने का उतना ज़रूरी नहीं है। ये तो हम घर में खाना है दोस्तों, ये मार्केट में ऐसे बनाते हैं ढाबा स्टाइल में, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं कर रहा, आप चाहे तो कर सकते हैं। ये हमारा तैयार हो चुका है, ढक दिए हैं, अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक क्या करते, तो हम यहाँ पे 2 कटोरी मकई का आटा लिए हैं। ये देखिए, ये मकई का आटा है, और ये मार्केट में नहीं खरीदा गया दोस्तों, ये हमारी दीदी ने हमें दिया है, घर का बना हुआ है, आप चाहे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और साथ में हम 1 कटोरी इसमें गेहूं का आटा ले रहे हैं। गेहूं का आटा डालने से इसे एक सपोर्ट मिलता है, अच्छे से बैंडिंग होता है। और थोड़ा सा आप नमक डालिए इसमें हल्का सा, और हम यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल देते हैं। आप चाहे घी ऐसे भी डाल सकते हैं या गर्म करके डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से इसे थोड़ा सा मिला देते हैं, क्योंकि हम इसमें गर्म पानी डालेंगे तो घी ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें गुनगुना पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डाल के हम इसे अच्छे से
इसका डो तैयार कर लेते हैं। देखिए ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, थोड़ा सा गुनगुना हल्का है, और इसे अच्छे से हम आटा को गूंद लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा आटा गूंद चुका है। ये देखिए थोड़ा सा ये फटेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मकई का आटा में थोड़ा फटता है। अगर जो आप इसे 20 मिनट तक लगभग रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो ये ज़्यादा नहीं फटेगा, लेकिन हम तुरंत बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसे बेलने में थोड़ा सा इसे फटेगा। ये देखिए इस तरह करके बड़े बड़े लोई ले लिए हैं। आप इसे थपकी के साइड जैसे भी बना सकते हैं, जैसे गांव में बनाते हैं थपथपा के, या नहीं तो आप इसे बेलन से बेल सकते हैं। ये देखिए हम थोड़ा बेल के दिखा देते हैं। ये देखिए फट चुका है, थोड़ा थोड़ा फटता है। ये देखिए फट चुका है। अगर जो आप 20 मिनट तक रेस्ट कर दीजिएगा, 10-20 मिनट तक, तो ये फटेगा नहीं, उतना ज़्यादा नहीं फटेगा, थोड़ा बहुत फटेगा। ये देखिए हम आपको एक और रोटी बना के दिखा देते हैं इसका। ये देखिए ये थोड़ा सा फट चुका है। अब देखिए एक और हम आपको बना के दिखा देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, लगा देते हैं हल्का सा। पानी लगाने के बाद देखिए इसका कैसा रिजल्ट आता है। ये देखिए ये थोड़ा कम फटनाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पानी डालने से थोड़ा कम फटेगा, और थोड़ा आटा सॉफ्ट हो चुका है तब तक। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ऐसी थपकी से गांव में जैसे बनाते हैं हमारी माँ, इस तरह करके आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल मोटा हो गया है। आप चाहे इसे पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गेहूं का आटा लीजिए हल्का सा सपोर्ट करने के लिए इसे, और इसे बेलन के सहारे थोड़ा सा इसे बेल दीजिए गोल गोल करके। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं इस तरह करके। ज़्यादा ज़ोर से बेलन नहीं चलाना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे करके देना करना है। ये देखिए पूरा गोल नहीं हुआ है, ये देखिए लगभग गोल हो चुका है। ये देखिए हमारा ये कम फटा हुआ है। देखिए अब चलते हैं, थोड़ा सा ही सरसों साग में हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। ये देखिए घी डाल के मिला देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। आप चाहे तो उस समय भी घी डाल सकते थे, लेकिन थोड़ा देर के बाद हमने घी डाला है तो इसका अच्छा खुशबू आएगा। अब थोड़ा रोटी सेक लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हम अच्छे से सेक लेते हैं इसे रोटियाँ। ये देखिए हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है पैन को, नहीं तो जल जाएगा रोटी। और एकदम मीडियम लो फ्लेम में इसे अच्छे से ढक दीजिए और अच्छे से इसे पकाइए ताकि कच्चा ना रहे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका। अब ये भी हो चुका है, देखिए हम दूसरा डाल देते हैं तब तक। ये देखिए इसे भी हम पका लेंगे। आइए सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये देखिए हमारा मकई का आटा बिल्कुल गांव के स्टाइल में है, गांव में ऐसे ही खाते हैं। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें प्याज डाल देते हैं। गांव में हम लोग प्याज खाते हैं, थोड़ा सा प्याज काट देते हैं, एक हरी मिर्च डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें लहसुन का अचार भी डाल सकते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं, गांव में ऐसे ही खाया जाता है। और साथ में थोड़ा सा हम बटर लगा देते हैं, इससे अच्छा रोटी सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए ये बटर लगा दिया है, देखिए। और तो ये बचा हुआ बटर हम इस पर रख देते हैं। देखिए अब इसका एक अलग मजा आएगा खाने में। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा मक्की का आटा और सरसों का साग, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।